वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वेरियस स्टेजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब ध्यान से देखना, वेरियस स्टेजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब ध्यान से देखेंगे, लेट अस अज्यूम शेयर्स आर बीइंग इशूड एट पार। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इशू हो रहा है, तो क्या सारे के सारे पैसे एक साथ मांग लेगी कंपनी आज की रेट में? यस, सारे के सारे पैसे एक साथ मांगे जाते हैं, बट हम 50 साल पीछे चल रहे हैं। तो ध्यान से देखना पहले क्या होता था, 50 नहीं 20 30 साल। ध्यान से देखेंगे, जब आप नहीं थे तो क्या होता था, जब कंपनी शेयर्स इशू करती थी, जब कंपनी शेयर्स इशू करती थी सारे पैसे एक साथ नहीं मांगती थी। सर ऐसा क्यों? अब एक आप खुद ही बताएं कि फेस वैल्यू 100 रुपए रखने में ज्यादा फायदा है या 10 रुपए? अनवी, शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए रखने में ज्यादा फायदा है या 10 रुपए? 100 हमने शेयर इशू पैसे रेज करने हैं, तो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज रखने में कंपनी का ज्यादा फायदा है या 100 रुपीज? टोटल पैसे तो उतने ही रेज कर पाएंगे। हाँ इज द क्वेश्चन क्लियर प्रगति? टेन सारा सर टेन वाई 10? सारा सर बिकॉज लाइक जितना भी हम कैपिटल उतना ही रेस कर पाएंगे, जितना हमें तो कम में करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। टोटल पैसे तो उतने रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए आपके पास टोटल है, कैपिटल की नेटवर्थ है आपकी कंपनी की, तो अगर 10 रुपए का शेयर है तो 5 लाख शेयर्स इशू कर सकते हो, 100 रुपए का शेयर है तो 50,000 शेयर्स इशू कर सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स कम इशू कर पाएंगे अगर 100 रुपए का है, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा इशू कर पाएंगे अगर 10 रुपए का है, लेकिन टोटल आएंगे 50 लाख रुपए। अरब आप बताओ फायदा क्या? मैं कह रहा हूँ बेटर है 10 रुपए रखना, वाई? सर कंपनी मतलब डिसीजन मेकिंग काफी डाइवर्स हो जाती है, काफी लोग इकट्ठे डिसीजन। थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट पे चले गए, बिल्कुल बेसिक आंसर दो, वो नेक्स्ट स्टेप है, उससे पहले शेयर होल्डिंग स्कैटर्ड रहेगी। अगर 10 रुपए का शेयर होगा तो ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, एज कंपेयर टू 100 रुपए का होगा तो ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, तो अलग अलग ज्यादा ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो शेयर होल्डिंग स्कैटर्ड होगी, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी शेयर होल्डिंग। तो कॉन्सेंट्रेटेड पावर किसी के पास ज्यादा नहीं आएगी, ओनरशिप बढ़ गई बहुत सारे लोगों। तो अब सोचो 10 रुपए का अगर शेयर है, 10 रुपए हो गया डिसाइड, 10 रुपए भी एक साथ नहीं देने भाई साहब, 10 रुपए भी आपको पार्ट्स में देने हैं। तो उन्होंने स्टेजेस बना दिए, पहला स्टेज है एप्लीकेशन, फिर है अलॉटमेंट, और फिर लास्ट में वेरियस कॉल्स। अब कॉल्स आप 2 कॉल्स करेंगे या 3 कॉल करेंगे या एक ही कॉल करेंगे, वो कंपनी की मर्जी है। पॉइंट और डिवाइड कर दिया, कह रहे भाई साहब 10 रुपए एक साथ नहीं देने, 2 रुपए अभी देने हैं, 3 रुपए 4 महीने बाद देने हैं, फिर 2 रुपए 4 महीने बाद देने हैं, तो अब और ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, यस और नो? तो पर्पस था ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें शेयर्स के लिए, तो इसलिए स्टेजेस बना दिए गए थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और वेरियस कॉल्स। कॉल एक भी हो सकती है, अगर एक ही कॉल है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मल्टीपल है 2 हैं तो पहली को फर्स्ट कॉल, दूसरी को सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना? अब मतलब समझते हैं एक एक करके, स्टेजेस होंगे ये समझ आ गया? आप अपने जो फेस वैल्यू है, जो इश्यू प्राइस है, उसको आपने डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में पैसे मांग रहे हैं। पहला स्टेज है एप्लीकेशन, पहला स्टेज है एप्लीकेशन, ध्यान से देखेंगे एप्लीकेशन स्टेज, ध्यान से देखेंगे एप्लीकेशन स्टेज का मतलब क्या है, हो क्या रहा है इस स्टेज में? पब्लिक इज अप्लाइंग, पहले क्या हो चुका है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर चुकी है,
प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी क्या करती है, आपको विंडो देती है, विंडो इन द सेंस कि एक टाइम टाइमलाइन देती है, 4 days, 5 days, 5 दिन का टाइम है आप कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल 10 सितंबर से लेके 15 सितंबर का टाइम है आप कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनी को क्या पता होगा कि कितनी एप्लीकेशन आएंगी? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने 5 दिन का टाइम दे दिया, जिसको जितना अप्लाई करना है करो। कंपनी के पास अपनी एक ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से कुछ कितनी उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट करी वो एक इश्यूड कैपिटल है। एप्लीकेशन कितनी आएंगी वो कंपनी के हाथ में नहीं है। तो एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, पब्लिक इज अप्लाइंग फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय पेइंग द एप्लीकेशन मनी। आप कैसे अपना इंटरेस्ट शो करेंगे एज एन इन्वेस्टर? आप कैसे अपना इंटरेस्ट शो करेंगे कि भाई मैं शेयर्स लेना चाहता हूं? कह रहे एप्लीकेशन मनी दे दो, एप्लीकेशन मनी दे दो तो हमें पता चल जाएगा कि आप शेयर्स लेना चाहते हो। तो एप्लीकेशन मनी में क्या होता है, पहले कंपनी के पास पैसे आते हैं। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेज क्या है, शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, कंपनी को नहीं पता कि कितनी एप्लीकेशंस आएंगी, तो पहले कंपनी के पास पैसा आता है। तो कंपनी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो ये क्या हो रहा है, बीइंग लिखना जरूरी नहीं होता। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या हुआ? ओ जीसस, आवाज आ रही है? ठीक यस सर। है, यस सर। है, हैंग हो गया था। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कंपनी, अरे क्या हुआ, पढ़ाने नहीं दे रहे।